एनिमल एक ऐसी मूवी है जिसे पहले ही डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये तो तबाही मचाने वाली है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, जहाँ पर हर जगह सोशल मीडिया पे हमें यही देखने मिल रहा है, हर जगह हमें रणवीर का ये दो लुक देखने मिल रहा है, जहाँ पर उनको एक जगह पे काफी ज्यादा स्वीट दिखाया जा रहा है और एक जगह पे काफी ज्यादा डेंजर। और अगर यहाँ बात नहीं बन रही तो भाई वो बॉबी देओल की एंट्री दिखा दे रहे हैं। और भाई ये सब देखने के बाद हमें यही कहना पड़ेगा कि भाई इंडिया में इस समय तो एनिमल चल रहा है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनिमल मूवी के बिहाइंड सीन को, और उसी के साथ साथ हम जानेंगे कि भाई इस मूवी को इतनी हाइप क्यों मिली। और अगर आप वीडियो में बने रहोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो थिएटर में दिखाया गया है मूवी वो कुछ 3 घंटे 20 मिनट का है, लेकिन जब ये ओटीटी पे आएगा तब ये 3 घंटे 50 मिनट का रहेगा। तो आप सोच सकते हो कि भाई ओटीटी में कितने सारे सीन्स को दिखाया जाएगा। तो अगर आपको उस सीन को भी देखना है तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिहाइंड सीन से। सबसे पहले हम इस वाले सीन को देखेंगे। इसे मूवी में देखने के बाद तो भाई एक अलग ही फील आई थी। ये सीन तो मुझे रॉकी भाई की बड़ी अम्मा की याद दिलाती है। ये वाला सीन मूवी में उस समय का है जब रणवीर के ऊपर गोल्डन मास वाले अटैक करते हैं। उसके बाद रणवीर ने ये गन मशीन को निकाला था जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन 50% से भी ज्यादा ऑडियंस यही सोचते रहेंगे कि भाई इसे VFX के हेल्प से बनाया गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, इसे रियल में बनाया गया था और बाद में इसे शूटिंग में यूज किया गया था। मुंबई के एक वर्कशॉप में जल्दी से जल्दी इस मशीन को बनाया गया था क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा कोई सीन सोचा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा और फटाफट इसे क्रिएट करने का ऑर्डर दे दिया। और ये मशीन 3 से 4 महीने में बन गई थी और इसका वजन मूवी के इतना भारी है। इस मशीन का वजन 500 किलो है और इसे अलग अलग मटेरियल से बनाया गया था। इस मॉन्स्टर गन को बनाने से पहले इसका सबसे पहले एक CGI बनाया गया था और उसके बाद इसे बनाने के बाद एक कमाल का फिनिश दिया गया था। एनिमल मूवी में इस वाले सीन को शूट करते हुए आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पर इस मूवी के डायरेक्टर को आप देख सकते हो कि कैसे वो रणवीर को अच्छी तरीके से सीन समझा रहे। इस वाले सीन को शूट करने के लिए 3 से 4 दिन लग गए थे। ये वाला सीन मूवी में देख के आपको कैसा लगा था ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले बिहाइंड द सीन की तरफ। रणवीर कपूर का अपने स्टूडेंट वाला लुक तो देखा ही होगा जो मुझे भी ठीक ठाक लगा था, लेकिन इस लुक में उन्होंने जो रोल निभाया था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। इस वाले सीन में रणवीर कॉलेज के अंदर ऑन लेक्चर में चले जाते हैं। रणवीर की बहन के साथ किसी ने मिसबिहेव किया था, इसी का पता करने के लिए वो कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ समझदार लोग अपना होशियारी दिखाते हैं जिसे रणवीर देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर क्या था, रणवीर क्लास के बाहर जाते हैं और वहाँ से AK-47 लेके आते हैं। देखने में ये सीन यहाँ तक तो नॉर्मल था, लेकिन जब वो गन चलाते हुए आते हैं तो भाई ये सीन को काफी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर अच्छी तरीके से रणवीर को समझा रहे कि उन्हें किस तरीके से परफॉर्म करना है। और उसके बाद तो आपने देख ही लिया रहेगा कि भाई रणवीर की कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस थी इस वाले सीन में। अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ। मूवी में आपने इस वाले सीन को देखा होगा जहाँ पर रणवीर एक गुंडे के पास जाते हैं कुछ गन लेने के लिए। उस वाले सीन में रणवीर का लुक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस वाले लुक को उस सीन में देखने के बाद भाई रॉकी की याद आ रही थी। अब यश भाई तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन हमने इसका बिहाइंड द सीन आपके लिए लेके आया है जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो। इसके आगे वाले सीन का भी बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पर गन को गाड़ियों में रणवीर कुछ इस तरीके से देखते हैं और उसके बाद उनके भाई लोग कुछ इस तरीके से गन को लेके चले जाते हैं। इस वाले सीन को दिल्ली में शूट किया गया था जो मूवी में देखने के बाद काफी अच्छा लग रहा था। अब मूवी के बिहाइंड द सीन को थोड़ा पीछे ढकेलते हैं। अब हम बात करेंगे इस मूवी के हाइप के बारे में। भाई आजकल तो डायरेक्टर अलग ही हाइप दे रहे हैं, जहाँ पर मूवी आने से पहले वो एक हाइप देते हैं, लेकिन आने के बाद भी एक बड़ा हाइप दे देते हैं। अब इस मूवी की हाइप भाई सभी को मालूम था कितनी ज्यादा बनी थी। इंडिया में इसे काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था, लेकिन इंडिया के बाहर दुबई में भी इसे काफी ज्यादा प्रमोट किया गया था। अब इतने प्रमोशन के बाद और बड़े बड़े हाइप देने के बाद भाई ये मूवी हिट नहीं होगी ऐसा तो हो नहीं सकता। जहाँ पर भाई देखा जाए तो भाई मूवी तो हिट हुई है, पूरे सोशल मीडिया पे भाई इसी मूवी की बात चल रही है, जहाँ पर बॉबी देओल की एंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन ये सब भाई मूवी आने के पहले तो इन्होंने दे दिया था, लेकिन अब मूवी आने के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा हाइप दे दिया जैसे जवान मूवी ने दिया था। शाहरुख खान की जवान मूवी जो 2 घंटे 50 मिनट की मूवी थी, लेकिन मूवी निकलने के बाद 15 दिन बाद एक और हाइप मिल गया था इस मूवी के थ्रू, जहां पर ये बताया गया था कि भाई ओटीटी में ये मूवी 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो भाई ये हाइप की वजह से जिन्होंने मूवी देखा है वो एक और बार जाएंगे ओटीटी पे देखने के लिए। यही सेम तरीके से एनिमल निकलने के बाद एक हाइप दे दिया गया, जहां पर एनिमल मूवी 3 घंटे 21 मिनट की है, लेकिन ओटीटी पे ये मूवी 3 घंटे 50 मिनट की होगी। तो भाई अब ओटीटी पे एक और बार इस मूवी को दिखाने के लिए ये लोग अलग ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अब ओटीटी पे कौन कौन से सीन नए दिखाए जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन एक सीन मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ जहाँ पर रणवीर दारू पी के एकदम नशे में है। ये उस समय का सीन है जब रणवीर ने बॉबी देओल को गंदी तरह मारा था और मारने के बाद अपना घर वापसी कर रहे थे। उस बीच में इन्होंने दारू पी लिया था और दारू पीने के बाद प्लेन चलाने लगे थे। ये वाला सीन मूवी में कहीं भी नहीं दिखाया गया, लेकिन ओटीटी पे जरूर दिखाया जाएगा। तो इन सारे सीन को दिखाने के लिए मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा और उसी के साथ उसका बिहाइंड द सीन भी लेके आऊंगा। तो उन सारे सीन को देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है वीडियो के एंड में आप सब्सक्राइब करना भूल जाओगे और आप उस वीडियो को मिस कर दोगे। तो
प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के फैक्ट के बारे में और ओवरऑल पूरी मूवी के बारे में। इस मूवी का फैक्ट तो भाई ये है कि भाई इसका पार्ट टू भी आने वाला है, जहाँ पर रणवीर कपूर का एक और खतरनाक लुक दिखने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ आगे क्या हो सकता है। देखिए, बॉबी देओल ने मूवी में रणवीर के फादर को यानी कि अनिल कपूर को अटैक किया था और उस अटैक की वजह से रणवीर बॉबी देओल को मारता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं पार्ट टू में होने क्या वाला है, ये हमें पार्ट वन में ही पता चल गया था, जहाँ पर रणवीर के दादाजी बताते कि बॉबी देओल के जो पापा थे वो एक से भी ज्यादा शादियां किए थे, जिसमें से एक बीवी का बच्चा बॉबी देओल थे। अब बॉबी देओल ने अपने पिता का बदला लेने के लिए अनिल कपूर को मारा, तो भाई अब सीधा सा मतलब है कि भाई बॉबी देओल का बेटा भी आएगा और रणवीर को मारेगा। जो हमें मूवी में एक छोटी सी एंट्री दिखाई गई है आखिरी में, जहाँ पर रणवीर के भाइयों को रणवीर का ये डबल बॉडी बहुत खतरनाक तरीकों से मारता है। देखिएगा, इस मूवी का नाम था एनिमल, जहाँ पर हमें पता चला कि भाई एनिमल कोई और नहीं रणवीर कपूर है। लेकिन अब इसी मूवी के पार्ट टू का नाम है एनिमल पार्क, जहाँ पर एक एनिमल नहीं, दो एनिमल नहीं, तीन एनिमल नहीं, कई सारे एनिमल्स हो सकते हैं। तो गाइस बी रेडी फॉर बिग धमाका, क्योंकि जब एनिमल इतना खतरनाक हो सकता है तो आप सोच सकते हो कि भाई एनिमल पार्क कितना खतरनाक होगा। बाकी ओवरऑल अगर आपने इस मूवी को देखा नहीं तो प्लीज जाइए और इस मूवी को देखिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन जैसे साउथ की मूवीज देखना पसंद है या फिर मूवी में थोड़ा सेंस हो वैसी मूवीज देखना पसंद है तो भाई वो लोग प्लीज ना जाओ, क्योंकि मूवी में आपको हर जगह झगड़े ही झगड़े दिखेंगे। फैमिली के साथ झगड़े, बीवी के साथ झगड़े, गर्लफ्रेंड के साथ झगड़े, किसी और के साथ झगड़े और झगड़े ही झगड़े। इन सारे झगड़े और लफड़े को मिलाकर 3 घंटे 21 मिनट की ये मूवी बनी है, जहाँ पर अगर आप ये सोच के जाओगे कि भाई मूवी में कुछ अलग होगा, कुछ हमें हिस्ट्री पता चलेगी या फिर कुछ अलग ही चीज हमें देखने मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। थिएटर में आपको कुछ सास बहू के नए सीरियल देखने मिलेंगे या फिर अभी के जमाने में एक ट्रेंडिंग फाइट। तो भाई अगर ये सब आपको देखना पसंद है तो भाई प्लीज ना जाओ, यहीं पर डाउनलोड करके देख लो चाहे कोई भी क्वालिटी में, वरना वहां जाके आप लोगों के बीच में यही बात करोगे कि भाई रसोड़े में कौन था। बाकी गाइस आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर मुझे इस मूवी के बारे में कुछ भी अपडेट मिला तो मैं आपको सबसे पहले लाके दे दूं। बाकी सलार तो आ रहा है, उसके बारे में भी अपडेट चाहिए तो भाई चैनल से और अच्छी तरीके से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो में एक सलार का सबसे बड़ा हाइप बता के जाने वाला हूँ। सलार मूवी जो 22 दिसंबर को आने वाली है, उस मूवी का ट्रेलर आ चुका है लेकिन उतना बड़ा हाइप नहीं बना है, तो इसलिए मूवी के डायरेक्टर ने ये बोल दिया कि भाई इसका एक और ट्रेलर आने वाला है, जहां पर प्रभास का एक खतरनाक लुक देखने मिलेगा। तो गाइस मैं इन्हीं सारे सबूतों को देखने के बाद ये तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरी अगली वीडियो सलार के ऊपर हो सकती है, तो इसलिए चैनल से भाई अच्छी तरीके से जुड़ जाओ। और उसी के साथ इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसका नाम है क्रिक गॉसिप। इस वाले चैनल पे हम हर एक क्रिकेट के अपडेट को लेके आते हैं और T20 वर्ल्ड कप तो आने वाला है, जहां पर हमें यही नहीं पता चला कि भाई हमारे T20 वर्ल्ड कप में कप्तान कौन रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता चल गया कि भाई विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में तो नहीं खेलने वाले। तो ये सब अपडेट आपको पता था या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपको अपडेट चाहिए तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी उसके पहले आपके राइट या लेफ्ट में एक ना एक वीडियो आता होगा तो प्लीज जाइए उसे भी वॉच कीजिए और वहां पर भी अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि अब मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।